अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है। आज की मेरी ये रूटीन थी कि मैंने पर कल वीडियो अपलोड की थी कि मैंने जाना है इम्तियाज़ महल, तो वहाँ पे ना मेरा फ़ोन डेड हो गया था, मैंने नहीं बनाया। तो मैं लेके आई हूँ कि ये एक्स्ट्रा वर्जन लेके आई हूँ। ये है कि सुबह हमने लेना है, सुबह भी लेना है, मतलब इसकी टाइमिंग कोई नहीं है। आप एक चम्मच ले लें एक्स्ट्रा वर्जन जो है, आप एक चम्मच ले लें, इससे पेट की जितनी बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। और नज़ला ज़ुकाम ऐसी बहुत सारी हैं कि इससे ना बेहतर हो जाती हैं। मेरे घर पहले नहीं था, मैं नॉर्मली जो है वो करती हूँ, जो हांडियाँ वगैरह बनाती हूँ ना, मैं इससे बनाती हूँ। ये जो है मैं मतलब इस्तेमाल तकरीबन एक साल हो गया ना कुकिंग की, मतलब हांडियाँ चावल वगैरह सब कुछ इसी से मैं बनाती हूँ। लेकिन आप ये देखें कि इसमें 4.0.4 है, मतलब ओरिजिनल एक्स्ट्रा वर्जन ये है जो हम पीते हैं, सलाद वगैरह में डालते हैं, और जो हांडियाँ वाला होता है वो ये है। तो मतलब इसके बाद इसको बनाया जाता है, या इससे पहले कोई और होगा उसको बनाया जाता है, मतलब ये दूसरे तीसरे नंबर पर आता है, ये हांडियों के मतलब इस्तेमाल होता है। ये मेरे पास नहीं था, तो मैं उम्रे पे गई थी तो मैं लेके आई थी, मेरे ख्याल में उसकी कोई 1.5 आवर हुई भी है, इस्तेमाल नहीं किया, मुझे वो मिल भी नहीं रहा था वो किधर है। तो ये था, तो मैंने वैसे नॉर्मली ये लिया, तो मुझे मतलब अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं बेहतर नहीं हुई है बिल्कुल। तो फिर मेरी ना मामों की बेटी हैं, वो कहती हैं कि एक्स्ट्रा वर्जन की एक चम्मच लो, इससे तुम्हारा फ्लो ठीक हो जाएगा। तो मेरे घर ख़त्म हुआ था, मतलब मेरे घर ये था ही नहीं, तो मैं उनके घर गई हूँ, तो वो उनके घर से ना एक स्पून में लेके आई। यकीन करें कि मैंने एक चम्मच ली और मेरा नाक बंद था वो ठीक हो गया, और मतलब पेट की जितनी बीमारियाँ तकरीबन समझ लें कि एक चम्मच से जितना मतलब अफाका होता है मुझे हुआ। तो फिर मैं कल गई वहाँ से, मैं ये लेके आई हूँ, ये मैं लेके आई हूँ 3 लीटर, ये 3 लीटर, और अभी मैंने लिया एक चम्मच। जब स्कूल चला गया, वापस आएगा तो मैं उससे भी दूंगी। और नॉर्मल हम जो कुकिंग करते हैं वो इनके इस ऑयल से करते हैं, और ये मैं तकरीबन 5-6 डिब्बे ये लेके आई हूँ, एक ये लेके आई हूँ। तो बताने का मकसद ये था कि आज का टॉपिक जो था वो जैतून है, और मेरी डेली ये जो रूटीन है, मैं अभी बस फिर चाय बना रही हूँ, चाय बना के तो वो भी फिर दिन का खाना बनाना है, फिर मैं वो बताऊँगी कि मैंने क्या बनाया। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है मैंने क्या बनाना है, क्योंकि ज़ोएबा आ जाएगा स्कूल से 1:30 बजे, और 2 बजे वो ट्यूशन चला जाएगा एकेडमी, तो वो आता है तो फिर उसके पास वही 10-15-20 मिनट होते हैं, तो उसमें वो खाना खाता है, रेडी होता है, एकेडमी चला जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि ज़ोहेब के आने से पहले खाना बिल्कुल रेडी हो, तो फिर मैं बताती हूँ कि क्या करते हैं।